अयोध्या राजा विक्रमादित्य द्वारा बसाई अयोध्या है, इसको आप जान रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भगवान चक्रहरि जी का जो प्रतिमा है ये राजा विक्रमादित्य के समय के ही स्थापित है। अच्छा, 2000 वर्ष है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह है प्रभु श्री राम जी का जो चरण यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग आगे जरूर दर्शन कीजिएगा। यह स्थान सतयुग का है। अच्छा। हाँ, देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। आपको बताया दोस्तों, ये फिर से जो है रीडेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो सीमेंट मोरंग गिट्टी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो अभी भी बनाई जा रही है वो पुराने ही पद्धति से बनाई जा रही है। जैसे कि अभी महाराज जी ने बताया, इसमें जो है बेल मेथी क्या क्या चीज़ लगा के रेत से इसको जो है बनाया जा रहा है। देखिए ये चीज़ें। जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में हम दिखाएंगे जब विक्रमादित्य जी जब थे, यानी 2500 वर्ष पहले, उन्होंने अयोध्या में 107 मंदिरों को बनाया था बोल सकते हो। तो वैसे ही आज उस मंदिर पे हम आ चुके हैं अयोध्या में गुप्तार घाट पे, उसका पूरा इतिहास बताएंगे क्या क्या। जी मेरा नाम क्रिश्चन पांडे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी दादाजी? मेरी उम्र तो सर्टिफिकेट से कम से 69 है। हाँ। और वैसे हमारे ख्याल 2-3 साल ज्यादा होगी। अच्छा। तो से ऊपर है। हमारे पीछे जो ये मकान बना हुआ है, जी जी जी, ये हमें बहुत ही प्राचीन लग रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में यही है, इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति थी। राधा कृष्ण जी की मूर्ति है जी, और लोग अपना दर्शन करते थे। हाँ। मैं इसको सत्यता को साथ कह रहा हूँ, मेरे नॉलेज में या जैसा कि मैंने अपने पूर्वजों से भी सुना है जी, ये उनसे भी बहुत पुराना बिल्डिंग है। ये यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी 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 आए हैं, और ये गुप्त हरि मंदिर है सामने। ये गुप्त हरि मंदिर है। ले लीजिए, ये गुप्त हरि मंदिर है जो ये गुप्तार घाट के नाम से ये मशहूर है। मशहूर है कि प्रभु राम यहाँ आए हैं और अपना चरण रख करके और सीधे सरयू माता के पास जा करके वहीं से ये अंतर ध्यान हो गए हैं। इनकी कोई समाधि नहीं है, इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिसकी वजह से ये समाधि बने। हाँ। यहाँ पर समझ गए, ये जिस तरह से ऋग्वेद में लिखा हुआ है। जी जी, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन। गुप्तार सम तीरथ न भूतो न भविष्य, प्रयागराजे स्नाने कार्तिके मास। जी, गुप्तार घाट ऐसा तीर्थ न हुआ है, न होगा, न भविष्य में न भूतकाल में। जी जी, तो दादाजी ये पीछे जो बना है लगभग 2000 वर्ष पुराना होगा। ये बेटा मैं झूठ नहीं बोलूँगा जी, मगर ये इसके लिए मैं नहीं बता पाऊँगा कि कितना पुराना है, और देखने से आप खुद ही अनुमान लगा लीजिएगा। ये लखोरी थी, इसकी फोटो ले लीजिए और आप दिखा दीजिए कि कितना पुराना है। हमने सुना है दादाजी कि यहाँ पर जब विक्रमादित्य आए लगभग 2600 वर्ष पहले, जी जी, तो उन्होंने ये मंदिर जो गुप्तार घाट का है ये बना करके जो है दान दे दिया राजा, अयोध्या राजा, जैसा कि मैंने सुना है कि अयोध्या राजा को उन्होंने दिया था, और अयोध्या राजा उसका मेंटेन कर रहे थे और आज भी उनके द्वारा मेंटेन हो रहा है वहाँ पर। तो दादाजी जैसे लोग देख रहे हैं राम मंदिर बन गया, बड़े सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात जी। हाँ। हमारे जो मस्तक पे कलंक लगा था वो मिट गया। जी जी, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं प्रभु राम लला का दर्शन करने के लिए, उनको ऐसे स्थान पर आना चाहिए क्या, इसका फल? और देखिए, आ रहे हैं कहने की हमें आपकी जरूरत नहीं है, वो प्राण प्रतिष्ठा भी देख रहे हैं और यहाँ गुप्त हरि घाट पर आ करके भगवान के चरण पादुका का अंतिम स्थल भी देख रहे हैं। अच्छा, अब तो बात हो गई इसकी। अब दादाजी हम आपके साथ चलना चाहते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, चरण पादुका का, और लोगों को भी दर्शन कराना चाहते हैं। ये है भगवान, आप ले लीजिए। तो ये प्रभु श्री राम का चरण पादुका है। अच्छा, ये जी, जिस स्थान पर आप खड़े हैं हम जी, ये चरण पादुका है, मतलब हमारे प्रभु श्री राम जब श्री रामचंद्र जी का जब जाने लगे तो यहाँ से होके यहाँ आ करके और यहीं से जा करके वो आगे बढ़े हैं। आगे बढ़े जी,
तो ये भी मंदिर जो है ये इस मंदिर के विषय में जब से मेरी उम्र लगभग 70 वर्ष हो रही है और जब से मेरी जानकारी में है तब से ये मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये गुप्त हरि गुप्त 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 हरि मंदिर है। ये अच्छा मंदिर है जी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है प्रभु श्री राम जी का जो चरण यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग आगे जरूर दर्शन कीजिएगा। तो यहाँ पे देखा दोस्तों, जैसे कि दादाजी ने सारी चीज़ें यहाँ पे बताई कि क्या है चीज़ें, किस तरीके से कितना महत्व है, सारी चीज़ों को इन्होंने बताया। ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं और भी जो जो चीज़ें प्राचीन है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं ऊपर मंदिर के ऊपर, और अब यहाँ पे आप लोग दिखेगा जो प्रभु श्री राम जी का बोल सकते दरबार पे। और यहाँ पे आप लोग देखिए कितना प्राचीन चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए। और अब जो है इनको रीडेवलप किया जा रहा है। इधर आप लोग देखिए अभी कंटिन्यू काम चल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ की दिवाली अगर आप लोग देखिएगा तो आपको पता चली जाएगा कि कितना पुरानी ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें को जो है फिर से डेवलप किया जा रहा है। देखिए तो कुछ इस तरीके से ऊपर से दिखाया जाता है। और चलते हैं इधर, इधर आपको दिखाते हैं चीज़ें। तो इधर से आपको चलना है और देखिए ये पतले पतले ईंटें द्वारा बनाया गया है जिस तरीके से था वो। गुप्तहरि चक्रहरि का महात्म्य आपको जो है स्कंद पुराण अयोध्या महात्म्य वैष्णव खंड में। अच्छा अच्छा। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है गुप्तहरि चक्रहरि का जी। इसमें जब ये है देवासु संग्राम होता, यह स्थान सतयुग का है। अच्छा। हाँ, देवासु संग्राम हुआ, देवताओं राक्षसों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अच्छा अच्छा। उस युद्ध में सभी राक्षस जो है बर पाने के उद्मत से जो है देवताओं पर जब आक्रमण किए, उस युद्ध में सभी देवता हार गए। सभी देवता जब इधर उधर भागने लगे, भगवान शंकर जी उन सभी देवताओं को अगुआ बनकर सभी देवताओं को रोके, इन सभी को ले जाकर ब्रह्मा जी के पास गए। अच्छा अच्छा। ब्रह्मा जी को भी सभी देवता अपना अगुआ बनाकर सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए। जब वहाँ पर गए तो भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। जी जी। माता लक्ष्मी जो है भगवान के चरणों की सेवा कर रही थी उस समय, और नारद जी जो है ऋषियों के साथ उच्च स्वर में उनका गान कर रहे थे, और गरुण जी भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। सभी देवता जब भगवान की स्तुति किए तब भगवान विष्णु अपना नेत्र खोले। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं अपने योग से जान गया हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि आप सबका राजपाट स्वर्ग जो सब चला गया है, आप सब बलहीन और तेजहीन हो गए इसलिए चला गया है। स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए, इसके लिए आप सबको बल की वृद्धि, तेज की वृद्धि करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं आप सबके बल वृद्धि के लिए मृत्युलोक अयोध्या क्षेत्र में गुप्त रूप में रहकर तप का अनुष्ठान करूँगा, तभी आप जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। हे देवताओं, आप लोग भी अयोध्या क्षेत्र में गुप्त रूप में रहकर तपस्या करें। भगवान विष्णु जब ऐसा ही उपाय बताए तब वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु जब अंतर ध्यान हुए तब यहाँ पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद भगवान विष्णु नीचे जो है गुप्त रूप में तप करने लगे। अच्छा। अदृश्य रूप में, गुप्त रूप में। उसके बाद तप करने से पहले भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र जो है छूट कर गिर गया था, जो या ऊपर यहाँ पर जो चक्रहरि जी हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद जब तप करते हो, जब बहुत दिन बीता तो भगवान के प्रभाव से सभी देवताओं को अपार बल अपार तेज हुआ। पुनः सभी देवता जब युद्ध किए, उस युद्ध में सभी देवता विजयी हुए, अपना राजपाट स्वर्ग जो सभी देवता पा गए। राजपाट पाने के बाद सभी देवता सब विचार किए, चलो भगवान का धन्यवाद दे क्योंकि उनके बताए हुए हमें जो है राजपाट स्वर्ग मिल गया है, चलो उनका कम से कम उनका दर्शन करें। सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी को अच्छा। आगे करके जब यहाँ पर आए, भगवान विष्णु गुप्त रूप में रहकर तप कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद सभी देवता जब भगवान की स्तुति की तब भगवान विष्णु जो है प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवता, मैं जान गया कि आप सब जो है स्वर्गाद राजपाट आपको प्राप्त हो गया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप सब इस समय मुझसे क्या चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो मुझसे मांग लें। सभी देवताओं ने कहा, प्रभु, हम सबकी इच्छा है कि हम सबके बल वृद्धि के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए आप यहाँ गुप्त रूप में रहकर निवास करें। जी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं से, हे देवताओं, जिस जगह मेरा सुदर्शन चक्र जो है हाथ से छोड़कर गिर गया था वह संसार में चक्रहरि जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मैं यहाँ गुप्त रूप में रहकर तप किया है यह गुप्तहरि जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी सरजू में स्नान करके गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो भी पूजा पाठ करेगा उसको मनवांछित फल मिलेगा। उसके बाद भगवान विष्णु ऐसा ही कहकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद सभी देवता
इंद्र सहित अपने गुरु बृहस्पति और बृहस्पति जी के साथ में भगवान के गुप्त हरि चक्रहरि जी का जो है पूजा पाठ किए। और यहाँ की वार्षिकी यात्रा कार्तिक का है, कार्तिक भर जो है तीर्थों के राजा प्रयाग तीर्थों के साथ गर्जना करते हुए कहते हैं चलो गोप्रसार यहाँ पर आते हैं, सरजी में स्नान करते हैं, गुप्त हरि चक्रहरि जी का जो है पूजा पाठ करते हैं और एक माह कार्तिक भर यहाँ निवास करते हैं। जो बाहर आपके पत्थर भगवान के लिखा हुआ नाम उसमें लिखा है गुप्त हरि चक्रहरि कार्तिक भर लिखा है। उसके बाद जो है देवराज इंद्र भी जो है देवताओं के साथ आते हैं, वो भी जो है गुप्त हरि चक्रहरि जी का जो पूजा पाठ करते और एक महीना यहाँ जो है वास करते हैं। इसका जो है ये गुप्त हरि चक्रहरि जी के बारे में हमने इसका बताया। फिर त्रेता में भगवान राम अयोध्या में 11,000 वर्ष तक राज किए थे। इसका संक्षिप्त में कहो हम बताएं, लंबा तो संक्षिप्त इसका हम ही बताया है। यहाँ पर जो है गुप्त हरि चक्रहरि जी का यहाँ का महात्मा जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद यह स्थान जो सज्जू का था, उसके बाद यहाँ दो महात्मा था गुप्त हरि चक्रहरि जो हमने पहले बताया, उसके बाद यहाँ राम जी जो अयोध्या में 11,000 वर्ष राज किए थे। जब परम धाम को जाना हुआ तो सबसे पहले माता सीता गए, फिर लक्ष्मण जी गए, राम जी ने लक्ष्मण का परित्याग कर दी। उसके बाद पूरा अयोध्या राम जी ने सभी पुत्रों का राज्याभिषेक करके अयोध्या से राम जी भरत जी शत्रुघ्न जी जब ये चलने लगे, राम जी अयोध्या में ही 5 लोगों को रोक दिए थे, जामवंत हनुमान विभीषण दुर्भिद और मैन, इन सभी को रोक कर पूरे अयोध्यावासी राम जी पैदल चलकर यही सरजू तट पर यहाँ पर आए। राम जी यहाँ घूमते हुए सरजू तट पर कि सरजू जल जो यहाँ का बढ़ा था सरजू में भंवरे उठ रही थी। उसके बाद राम जी सरजू तट घूमते हुए एक उत्तम स्थान पर गए। उत्तम स्थान वह स्थान जहाँ भगवान विष्णु स्वयं तपस्या किए थे, ये राम जी से पहले का है। उसके बाद जब राम जी यहाँ पहुँचे, उसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ करोड़ों विमानों के साथ भगवान के सामने यहाँ पर उपस्थित हो गए। सभी देवताओं में अपार प्रसन्नता हुई, अपार खुशी हुई कि प्रभु अब अपने परमधाम के लिए जा रहे हैं। भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा किए, भगवान की स्तुति किए। उसके बाद भगवान जी राम जी जो है सिर्फ सरयू जल का स्पर्श किए, आकाश में ब्रह्मा जी कहे हे ककुश नंदन प्रभु श्री राम, आपका अपने परमधाम आने का आपका स्वागत है। हे प्रभु आप चराचर के स्वामी हैं, आप जिस स्वरूप में जाना चाहें आप उस स्वरूप में प्रवेश करें। राम जी ब्रह्मा जी का फिर कहे हे प्रभु यदि आप अपने वैष्णव स्वरूप में जाना चाहते हैं तो आप अपने वैष्णव स्वरूप में ही प्रवेश करें। राम जी सा शरीर अपने भाइयों के साथ सा शरीर विष्णु स्वरूप में हो गए थे, विष्णु रूप में हो, उन्हें शरीर का त्याग नहीं किए। उसके बाद ब्रह्मा जी से कहे हे ब्रह्मदेव ये सब जितने अयोध्या वासियाँ हैं ये हमारे भक्त हैं, अपना सुख संपदा छोड़कर इसने बस मेरे पीछे पीछे चले आए, इनको लिए बिना हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, आप इनको कहीं रहने का स्थान दें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जो जो देवताओं के गंधर्वों के यक्षों के जिस जो जो उसके अंश से जिनके उत्पत्ति हुई है वो सब अपने अपने अंश में विलीन हो जाएंगे, जो ऐसे उनको हम अपने ब्रह्मलोक के ऊपर एक संतानक लोक है उस लोक में जो है सभी का रहने का स्थान देंगे। उसके बाद सभी अयोध्यावासी राम जी का नाम लिए, उनका चिंतन करते हुए सरजू में गोता लगाए, शरीर त्यागे। अब यहाँ दिए हैं वाल्मीकि रामायण में सभी लोग शरीर त्यागे, लेकिन राम जी शास्त्री विष्णु रूप में हो गए थे, शरीर त्यागे। उसके बाद सभी लोग जो दिव्य शरीर हुआ वो विमान पर बैठते गए और राम जी परम धाम को लेकर यहीं से चले गए थे वैकुंठ धाम। महाराज जी लोग दर्शन करने आ रहे हैं, प्रभु श्री राम लला का मंदिर बन गया, बहुत खुशी है पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र में। जी जी लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे धार्मिक जैसे प्राचीन स्थल है तो यहाँ का दर्शन करना चाहिए, इसका फल क्या है? यहाँ का इसका फल ये है कि अयोध्या सभी तीर्थों का मस्तक अयोध्यापुरी है, अयोध्यापुरी का मस्तक गोप्रतार है। अयोध्या में जब आप आए रामलला का जी का दर्शन करें, उसके बाद जो है राम जी का दर्शन करें, जो स्वयं भगवान विष्णु यहाँ राम जी अपने परम धाम को यहीं से चले गए थे, इसका दर्शन बहुत ही शुभ है। जो इसका दर्शन करेगा उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगा, क्योंकि मोक्ष धाम है गुप्तार घाट है। यहाँ पर जो है सभी लोग जो अयोध्या में दर्शन करने आए ये गुप्तार घाट, उन लोग यहाँ पर भी आए भगवान राम जी का भी दर्शन करें। महाराज जी ये तो महात्म हो गया कि ये कैसे बना, लेकिन वर्तमान समय में जो मंदिर बनी है जिस ईंटों से बना है जिस तरीके से इसकी कंडीशन, ये कितने वर्ष पुराना होगा? ये इसका वर्ष जो है क्योंकि अयोध्या राजा विक्रमादित्य द्वारा बसाई अयोध्या है, इसको आप जान रहे हैं क्योंकि इसमें जो भगवान चक्रहरि जी का जो प्रतिमा है ये राजा विक्रमादित्य के समय के ही स्थापित है, 2000 वर्ष है, क्योंकि इस पर शोध हुआ है, शोध का आधार पर इस पर हम आपको बता रहे हैं कि ये 2000 वर्ष पुराना है। क्योंकि इस जैसे आप ये विक्रमादित्य ने ही सब अयोध्या के 160 मंदिरों का निर्माण कराए थे,
हर मंदिरों के सामने आपको जो है जो पत्थर लिखा है वो पत्थर और उस मंदिर का नामकरण लिखा रहेगा, वो पत्थर का नंबर भी है। तो विक्रमादित्य ने ही बसाया था, जैसे अभी समय जो इस अवस्था में आ गया जीर्ण शीर्ण हो गया है, वैसे ही जीर्ण शीर्ण हो गया है। अब किसी जो यहाँ पर है यस पे इंटेक जो एक संस्था है दिल्ली के, अपने यहाँ फैजाबाद में जो मंजुला मैडम है इन्हीं के माध्यम से इंटेक जो है इसमें कुछ काम करा रही है, जो बहुत जीर्ण शीर्ण पहले की लखौरी से सब बना हुआ है। लगभग तब भी कुछ अनुमान होगा ये बन इसका? हाँ, ये सब जो बने हैं ये तो कुछ नया है, लेकिन और जो इधर के ये सब बिल्डिंग है, ये कम से कम विक्रमादित्य के समय का है। विक्रमादित्य के समय जी हाँ उसी समय का है, उसी समय का है। लगभग दोस्तों 2600 वर्ष पहले विक्रमादित्य जी उज्जैन के राजा थे। जी उज्जैन के राजा, तो उन्होंने शोध किया था अयोध्या का, तभी जो है निर्माण किया था 100 कुछ मंदिरों का। जी 160 में से एक ये भी है जी, अभी तक इसका अस्तित्व बरकरार है, बरकरार है जो आपके समक्ष है जी। तो लोगों से आग्रह है कि लोग जहाँ तक देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें और यहाँ पर दर्शन करने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, महाराज जी ने सारी चीज़ें इसका इतिहास बिल्कुल संक्षिप्त में दिखाया, बताया क्या क्या चीज़ें पहले थी, किस तरीके से थी। तो अगर आप अयोध्या आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आइए, गुप्तार घाट पे है ये मंदिर, आप लोग आइए और दर्शन ज़रूर कीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ की जो कि मैंने आपको दिखाया पूरा डिटेल में, आपको बताया दोस्तों ये फिर से जो है रीडेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि अब के टाइम में हमेशा जो है वो सीमेंट मोरंग गिट्टी का यूज़ किया जाता, लेकिन ये जो अभी भी बनाई जा रही है वो पुराने ही पद्धति से बनाई जा रही है। जैसे कि अभी महाराज जी ने बताया इसमें जो है बेल मेथी क्या क्या चीज़ लगा के रेत से इसको जो है बनाया जा रहा। देखिए ये चीज़ें आप लोग देखिए, अभी उसी पद्धति से बनाई जा रही है और वो जो है फिर से उतने ही वर्ष चलने वाली है जैसे कि पहले जो है अभी तक चलने आई है, चलती हुई आई है। जैसे कि आपको पता है 2000 वर्ष से ज़्यादा पुरानी ये चीज़ें हैं। देखिए तो अभी भी जो इसको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है उसी पुरानी पद्धति से। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद है आपको ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा अगर आपने ब्लॉग पूरा देखा है। तो ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।